हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है GCO 200 जो बोस कंपनी का 14 इंच कट ऑफ सो मशीन। यहाँ पे दोस्तों ये जो वेल्डिंग वगैरह काम करते हैं इसको यूज़ करके बहुत कटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे मशीन को चला लेते हैं, क्या दिक्कत है मैं पहले देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मशीन बिल्कुल भी नहीं चला है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको हम रिपेयर कर सकते हैं अगर बिल्कुल भी मशीन नहीं चला है, कहाँ कहाँ पर हमको चेक करना है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ज़रूर वीडियो को देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, दोनों साइड कार्बन कवर को हमको खोल लेना है और यहाँ पे आपको कार्बन चेक करना है। सबसे पहले कार्बन है या नहीं है, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे एक साइड जो कार्बन में कवर खोल लिया, यहाँ पे एक साइड कार्बन है और दूसरी साइड खोल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इस ये जो दूसरी साइड भी कार्बन सही है, आप थोड़ा चेक कर लीजिए, अगर कार्बन सही है तो ये कार्बन टाइट है या ढीला है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल पावर सप्लाई हो रहा है, दोनों कार्बन को आपको टच करना है। सीरीज बोर्ड में अगर यहाँ पे जल रहा है तो आर्मेचर दोनों कार्बन बिल्कुल कनेक्टेड है। तो अभी आपको क्या करना है, हैंडल में जितना स्क्रू है उसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, स्टेक पर वीडियो आगे देखना है। तो कोई भी इस पेपर की ज़रूरत है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा खुद की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहाँ के आप परचेज कर सकते हो। सब कुछ पेपर वहाँ पे अवेलेबल है, पेमेंट कीजिए, एड्रेस दीजिए और पार्सल जल्दी हो जाएगा। 5 से 6 दिन के अंदर आपके पास पार्सल पहुँच जाता है, 6-7 दिन कभी कभी लग जाता है। तो ये चीज़ है, तो ज़रूर चेक कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों दोनों जो कॉयल से मोटर से जो सप्लाई आया है दोनों केबल का को चेक करना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है, मतलब मोटर के साइड प्रॉब्लम है, मतलब कॉयल में प्रॉब्लम है, हमको कॉयल को खोलना पड़ेगा। दोबारा थोड़ा चेक कर लीजिए, देखिए जो मोटर में दो तार निकला है, सबसे पहले पहला तार स्विच में गया है और दूसरी तार पावर सप्लाई में डायरेक्ट ये क्लैंप दे के कनेक्ट हो किया गया है। तो आपको क्या करना है, जो स्विच में एक कनेक्शन और ये जो क्लैंप में कनेक्शन को कंटिन्यूटी लगाना है और यहाँ पे जलना चाहिए। अगर कॉयल आर्मेचर में कार्बन दोनों कनेक्ट है तो यहाँ पे आपको ऊपर में आपको स्विच में और इसका क्लैंप में कनेक्ट कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। और यहाँ पे कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो कॉयल है कॉयल में दिक्कत है, क्योंकि दोस्तों आर्मेचर में जो कॉयल कार्बन लगा है कार्बन में हमें दोनों कंटिन्यूटी शो कर रहा है, लेकिन उसमें कॉयल में कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है। मतलब कार्बन से जो कनेक्ट हुआ है स्विच में कॉयल से घूम घूम के, वहाँ पे किसी पोजीशन में आपको ये शॉर्ट हुआ है। तो अभी हमको क्या करना है, सब कुछ हमको खोलना है, स्विच में जो दो कनेक्शन, स्विच में जो कनेक्शन दिया गया है और डायरेक्ट जो क्लैंप में जो कनेक्शन दिया गया है उसको हमको खोल लेना है। फिर अभी उसका मोटर में जो तार 4 स्क्रू लगता है उसको हमको खोल लेना है। और यहाँ पे कॉयल बिल्कुल सही सलामत बाहर से दिख रहा है, तो अभी हमको डब्बा से उसका जो मोटर हाउसिंग से उसको निकालना पड़ेगा। और मोटर हाउसिंग से निकलने के लिए आपको सबसे पहले कार्बन को पूरा निकाल लीजिए, ये कार्बन टूट सकता है, बहुत महंगा कार्बन है। ओके, कार्बन को हम खोल लेना है। अभी आपको क्या करना है, कार्बन में जो कार्बन का कनेक्टर जो कनेक्टर जो रहता है जो कॉयल से आता है उसको भी आपको खोलना है। उससे पहले दोस्तों हमको थोड़ा चेक कर लेना है दोबारा। यहाँ पे देखिए ये जो ये देखिए ये आपने कंटिन्यूटी शो नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे करेगा। और यहाँ ये दूसरी पॉइंट है और हम दूसरी पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे इशो करेंगे, मतलब एक ही कॉइल प्रॉब्लम है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों को कॉइल को हमको खोलना पड़ेगा, मतलब एक ही कॉइल है दोनों पोजीशन में। अगर ओरिजिनल आपका कॉइल है तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉइल को खोल लेंगे, दोबारा थोड़ा चेक कर लेते हैं। और ये देखिए ये जो क्लैंप का कनेक्शन है जो स्विच में कनेक्ट हुआ था ये शॉर्ट है। अभी हम क्या करेंगे, जो कार्बन का कनेक्टर जो कनेक्ट होता है उसको हमको खोल लेना है, दोनों तरफ हमको खोल लेना है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, कोई भी वीडियो देखना है तो जरूर प्रेस कीजिए बेल आइकन को ऑल पर, जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसके अंदर आपको कॉइल के अंदर एक ये देखिए स्क्रू मिलेगा, दोनों स्क्रू निकालने के बाद ये कॉइल निकल जाएगा, स्क्रू उसका क्लैंप में कनेक्ट होता है, क्लैंप कॉइल को पकड़ के रखता है। ये दोनों आपको स्क्रू को खोल लेना है, फिर ये क्लैंप को निकाल लेना है और ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए इस दोनों स्क्रू को मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ
और खोलने से पहले ज़रूर उसके अंदर जो कनेक्टर रहता है, जो कॉइल से निकल के कार्बन में कनेक्ट होता है, उसको हमको सही से खोल लेना है, ताकि ये अगर हम बाद में कॉइल को खींचेंगे तो फिर ये टूट सकता है। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, चारों तरफ हम उसको निकाल लेते हैं, पीट लेंगे तो कॉइल ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। और ये देखिए, ये कॉइल हमारा, और ये कॉइल ख़राब है, और ये कॉइल चाहिए। जो लेफ्ट में मेरे पास जो कॉइल है वो ख़राब है, और ये राइट वाला सही है। यहाँ पे दोबारा हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी, जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा कंफर्म हो जाएगा कहाँ पे दिक्कत है। दोस्तों, अगर आपका नया जो मशीन है तो इसमें आपको ओरिजिनल कॉइल डाला है तो इसमें आपको दोनों अलग अलग कॉइल मिल जाएगा, अगर डुप्लीकेट डाला है तो सेट आता है कॉइल। और यहाँ पे दोस्तों मैं कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए बिल्कुल शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें शो करेगा, ये सही है। ओके, तो अभी दोस्तों हमको क्या करना है, ये कॉइल को कहाँ पे प्रॉब्लम है वो ढूंढना है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको नया डालना है। और मैं चारों तरफ पकड़ लो एक मिनट के आसपास मैं उसको ढूंढा, फिर मुझे यहाँ पे देखिए ये मिल गया। देखिए मैं बहुत ढूंढा, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा स्किप कर लिया क्योंकि टाइम लगता है, और यहाँ पे मुझे फॉल्ट पता चल गया। यहाँ पे जो कार्बन में जो कनेक्ट होता है वो यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। अभी दोस्तों हमको क्या करना है, उसको सोल्डिंग करना है। सोल्डिंग करने से आपका फिक्स हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको इसको स्ट्रांगली काम करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। सोल्डिंग कभी भी कहीं किसी भी कॉइल में सोल्डिंग नहीं होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे ऐसा ही पोजिशन में हमको सोल्डिंग करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्लैंप को टाइट करना है, और उसको परफेक्टली मजबूती से काम करना है, फिर आपको उसके ऊपर सेफ्टी के लिए आपको सोल्डिंग मारना है। और इसको थोड़ा हम छेल लेते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा और कर लेते हैं। ओके, ये रेडी हो चुका है। अभी हम उसको एक कपर का तार लेंगे, और ये उतना एमएम का होना चाहिए जितना ये कॉइल का तार है, तो हम थोड़ा मोटा कर लेंगे, ताकि मेरे पास एक तार पड़ा था तो उसको हम दोनों घुमा के ये मोटा कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हमको क्या करना है, जो कार्बन का कनेक्टर रहता है उसको हमको यहाँ पे प्रेस करके लगा लेना है, बाद में हम उसमें सोल्डिंग कर लेंगे ताकि फिक्स हो जाए, परफेक्ट हो जाए। ओके, ये हो गया फिक्स। अभी हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे हम थोड़ा स्क्रैच कर लेंगे, स्क्रैच करके हमको यहाँ पे लगाना है, थोड़ा सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे है तो सोल्डिंग करने से हमको थोड़ा आसानी होगा। और यहाँ पे आपको बस दोस्तों आपको सोल्डिंग उसी पोजीशन में करना है जब आप फिक्स करने के बाद आपको सोल्डिंग करना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सोल्डिंग कर लोगे तो ये जल जाएगा फिर दोबारा। तो आप थोड़ा, जैसे कि आप यहाँ पे देखा कि कनेक्टर में मैं कनेक्ट किया, फिर इसको प्रेस किया नोज ब्लास्ट से, फिर उसके ऊपर सोल्डिंग किया, फिर ये फिक्स हो जाएगा। अभी दोस्तों इसको थोड़ा स्क्रैच कर लेते हैं, उसका केमिकल हटा लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूरा मजबूती से काम करना पड़ेगा, मजबूती से उसको जॉइंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में ये दो तीन दिन भी नहीं चलेगा, यहाँ से फिर दोबारा कट जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको इसको पूरा परफेक्टली काम करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए। बहुत लोगों ने वीडियो को देखते हैं, पूरा देखते हैं, हेल्प भी होता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्री में होता है, सब्सक्राइब बटन नीचे आपको मिल जाएगा, रेड कलर का आई बटन, तो वो बटन को जरूर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल का मेंबर जरूर बनाइए, ये फ्री में होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा कंटिन्यूटी हम चेक कर लिया, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे, थोड़ा दोबारा हम थोड़ा स्क्रीन कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बाकी रह गया। तो दोस्तों GCO 200 या T220 सॉरी GCO 200 और GCO 2220 ये एक ही मॉडल है, और इसका मॉडल नंबर चेंज किया गया है। दोनों में सेम ही चीज़ लगता है, सेम ही चीज़, सब कुछ एक ही मशीन है, लेकिन उसका मॉडल नंबर चेंज किया गया है। तो अभी यहाँ पर उसको लगा लेते हैं पूरा टाइट, पूरा मजबूती उसको लगा, उसको टाइट करके जॉइंट कर लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सोल्डिंग लगा के उसको काट लेंगे, तो जो जितना एक्स्ट्रा बड़ा हो रहा है तो उसको काट लेंगे। अभी हम थोड़ा दोबारा उसको मोड़ लेते हैं, अभी सोल्डिंग कर लेते हैं। पूरा परफेक्टली आपको काम करना है,
फिर ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा, कोई इशू नहीं होगा। आप दोबारा जो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप कॉइल चेंज मत कीजिए, ये बहुत ही मुड़ाना होता है, ये मतलब नॉर्मल चीज़ है। बहुत लोगों ने इसको कॉइल को भी चेंज कर सकते हैं, जो जो पहले में था। तो यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। जो पहले जो क्वालिटी का कॉइल आता था, अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब थोड़ा क्वालिटी थोड़ा डिफरेंस आ रहा है बोस का, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए। पुराना कॉइल है तो अच्छा क्वालिटी का है। ओके, अभी हम थोड़ा उसको टाइट कर लेते हैं, फिर अभी उसके ऊपर भी सोल्डिंग लगा लेंगे, ताकि पूरा परफेक्टली मजबूती हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आपको कवर देना है, कवर बहुत ही मोटा, नहीं तो कॉइल में टच होगा और फिर ये शॉर्ट हो जाएगा, दिक्कत करेगा। तो हम इसमें थोड़ा दोबारा थोड़ा और सोल्डिंग लगा के यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच कर लेंगे, ये सोल्डिंग पकड़ नहीं रहा है, थोड़ा स्क्रैच कर लेते हैं। दोबारा यहाँ पे सोल्डिंग लगाएंगे, सोल्डिंग मारेंगे। ओके, ये हो गया। ओके, अभी दोस्तों हमको क्या करना है, ये देखिए पूरा परफेक्टली ये फिक्स हो चुका है और कोई इशू नहीं होगा। और इसके ऊपर हम कवर लगा लेंगे, ये कवर बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि ये अगर कवर नहीं दोगी तो ये कॉइल में टॉस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अभी दोस्तों ये रेडी हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्लांप है ये होल के तरफ रहेगा, जो जहाँ से ये देखिए जो स्विच में जो कनेक्शन जाता है वो जो होल जो घाटी रहता है वो पोजीशन में रहता है, और दूसरी तरफ आप छोटा होने से कोई इशू नहीं होगा। सबसे पहले ये जो स्विच या जो क्लांप लगा है जो कनेक्शन में, वो सबसे पहला पोजीशन में रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर उल्टा लगा लोगे तो दिक्कत करेगा, स्विच में आपका वो कनेक्टर नहीं जाएगा, आपको ऐसे लगाना है। उल्टा लगाने से कोई इशू नहीं है, बस ये दिक्कत एक ही दिक्कत करेगा कि उसका जो क्लांप स्विच में नहीं जाएगा, फिर आपको दोबारा फिर घुमाना पड़ेगा, क्लांप को काटना पड़ेगा। फिर अभी दोस्तों आपको क्या करना है, उसके आप थोड़ा कॉइल को फिर लगा अंदर लगा लीजिए। स्क्रू टाइट करने से पहले आपको उसका जो कार्बन का कनेक्टर है वो बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बाद में नहीं निकलेगा, दिक्कत करेगा। निकल तो जाएगा लेकिन दिक्कत करेगा, उससे पहले आपको यहाँ पे लगा लेना है, फिर उसको फिक्स कर लेना है, और ये वायरिंग हो गया। ओके, ये रेडी हो चुका है दोस्तों। इसका मॉडल नंबर है GCO 200। अभी ये मॉडल नंबर को चेंज करके GCO 220 किया गया है, और दोनों का आर्मेचर कॉयल सब कुछ सही है, एक ही चीज़ है, लेकिन उसका आर्मेशन का मॉडल नंबर चेंज किया गया है GCO 220। अभी दोनों क्लैंप लगा लेते हैं और इसका स्क्रू भी लगा लेते हैं, टाइट कर लेते हैं एक। और दोस्तों ये जो ये किसी ने खोला है और इसके ऊपर पैकिंग दिया गया है, इसीलिए दिया गया है, ये थोड़ा ढीला है तो इसलिए ये हिल जाता शायद, तो इसके लिए ये पैकिंग दिया है। कोई इशू नहीं है, ये पैकिंग देना चाहिए, ज़रूर दीजिए, ये पैकिंग दिया गया है तो कोई इशू नहीं है, ये लगा लीजिए। तो इसमें भी हम लगा लेंगे स्क्रू। ओके, ये रेडी हो चुका है। उसका एयर डिफ्लेटर रिंग लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपका कॉइल आर्मेचर दोनों साथ में जल जाएगा, जरूर ध्यान दीजिए। एयर डिफ्लेटर रिंग खराब नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, फिर इसको लगा लीजिए। अभी दोस्तों ये जो कार्बन का कनेक्टर रहता है, उसको भी कॉइल से जो कार्बन कनेक्टर निकलता है उसको यहाँ पे हमको लगाना है, फिर उसको स्क्रू टाइट करना है, फिर इसको फिटिंग करना है। दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, ये पूरा आप ज़रूर देखिए, अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए।
और अगर आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई नॉलेज मिला है तो कमेंट करके बताइए क्या आपको हेल्प मिला, आपने घर में खुद आप रिपेयर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जरूर कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे उसको ये हो गया, अभी हम उसमें स्क्रू लगा लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, अब स्क्रू लगाना चाहिए, लगा जरूर लगाइए नहीं तो ये कनेक्टर निकल जाएगा। और ये यहाँ पे दोस्तों अगर आप कार्बन लगा रहे हो वो कनेक्टर में, ये लूज नहीं होना चाहिए, जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों अभी ये रेडी हो चुका है, यहाँ पे हम क्या करेंगे मोटर हाउसिंग को फिटिंग कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों इसके अंदर मोटर हाउसिंग के अंदर रबरिंग है जो बेरिंग में लगता है और ये खोल नहीं रहा है तो इसीलिए मैं उसको ऐसे ही फिटिंग कर रहा हूँ। अगर ये खोल रहा है तो आप डायरेक्ट आर्मेचर में फिटिंग करके कीजिए, ये आसानी से चला जाएगा। ये यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइट हो रहा है लेकिन आप रबरिंग अगर लगा लोगे आर्मेचर में तो ये पूरा आसानी से चला जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, परफेक्टली फिटिंग हो जाएगा। फिर भी ये कोई इशू नहीं है, हम उसको लगा लेंगे, ये टाइट हो जाएगा, दोनों हम दोनों साइड में दोनों स्क्रू लगा लेंगे, थोड़ा चला लेंगे, फिक्स टाइप चेक कर लेंगे, फिर हम दोबारा पूरा फिटिंग करेंगे। यहाँ पे घूम रहा है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा पीट लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि आर्मेचर कॉइल में टच हो रहा है या फिर और कोई जाम वगैरह आ रहा हो थोड़ा पीट लीजिए, फिक्स हो जाएगा, जहाँ पर जहाँ जो बैठेगा वो फिक्स हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखिए दोनों स्क्रू और टाइट कर लेंगे, ओके। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे उसमें कार्बन लगाएंगे, कार्बन स्प्रिंग को खींचिए फिर यहाँ पे लगा लीजिए, और कार्बन क्लैंप उसका जो क्लैंप रहता है दोनों का, इसको वो पूरा बराबर होना चाहिए, ढीला होगा तो यहाँ पे जल जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा, स्पार्क होकर जल जाएगा। ये जो कार्बन का कनेक्टर रहता है वो कार्बन कॉइल का क्लैंप में घुसना चाहिए पूरा टाइटली, अगर पूरा ढीला होगा तब थोड़ा जो नोज प्लास है उसमें टाइट कर लीजिए, थोड़ा प्रेस कर लीजिए, टाइट हो जाएगा। ओके, इसका भी हमको कनेक्शन कर लेना है कॉइल में। अगर आप उसके कार्बन टाइट कर कार्बन लगा रहे हो तो ये टाइट में नहीं जाना चाहिए कार्बन होल्डर में, ये पूरा स्मूथली जाना चाहिए, ये बहुत मोड़ा नहीं तो स्पार्क करेगा। ओके, यहाँ पे ये लगभग ये रेडी हो चुका है, अभी हम वायरिंग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों छोटा जो तार रहता है वो डायरेक्ट पावर सप्लाई केबल में कनेक्ट हो जाएगा या फिर उसका जो क्लैंप दिया गया है इसमें आपको टाइट कर लेना है। यहाँ पे देखिए फिर और एक तार बाकी रह जाएगा, फिर आपको इसमें उसको उसमें क्लैंप भी रहता है उसको आपको स्विच में लगाना है। पूरा आसान सा काम है, ये कोई भी कर सकता है, बस आपको थोड़ा गाइड की ज़रूरत है जैसे कि मैं आपको कर रहा हूँ। ये वीडियो देखिए, डायरेक्ट वीडियो को साइड में रखिए, मोबाइल को साइड में रखिए, आप आसानी से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, मेरा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, खुद का व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी स्पेयर पार्ट की जरूरत है आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके परचेस कर सकते हो, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे आप भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी परचेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। साइड में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा चला लेते हैं मशीन को, सीरीज में चल रहा है, पावर सप्लाई देंगे। ओके, यहाँ पे दोस्तों कोई भी और इशू नहीं है, पूरा परफेक्टली चल रहा है। और यहाँ पे हम उसका कवर लगा लेंगे, हैंडल का कवर लगा लेंगे और इसको टाइट कर लेंगे, स्क्रू टाइट कर लेंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा। और इसका बाकी रह गया हमारा कार्बन कवर लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए ओके, ये टाइट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, साइड में कार्बन कवर लगता है उसको यहाँ पे लगा लेंगे। और ये जीसीओ 200 है और जीसीओ 220 भी सेम ही चीज़ रहता है, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए, कोई भी आप कर सकते हो, दोनों में सेम ही प्रोसेस रहता है। और जीसीओ 2000 जीसीओ 2 सेम ही चीज़ है, बस आर्मेचर कॉइल अलग थोड़ा रहता है, लेकिन काम तो ऐसे एक ही करना है आपको, एक चेयर टाइप का ही काम करना है। तो यहाँ पर देखिए
और अभी दोस्तों ये रेडी हो चुका है, हम मशीन को चला लेंगे। सीरीज में चल रहा है, तो दोस्तों थैंक यू, यहाँ पे ये पूरा परफेक्टली काम हो चुका है। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। थैंक यू।